आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं संसाधन के बारे में और उसी के अंतर्गत संसाधन एवं उपयोग इन सब को जानते हुए उसका संरक्षण कैसे किया जाए, नियोजन कैसे किया, सारे को जानते हुए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे आज भूमि संसाधन। भूमि संसाधन के अंतर्गत पहला चीज़ हम लोग जानेंगे कि भूमि संसाधन का महत्व क्या है, भूमि संसाधन का क्या महत्व है आखिर हमारे जीवन में, किसको हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा है कि भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप कैसा है एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और तब उसके बाद जानेंगे कि भारत में भूमि का उपयोग होता कैसे है। तो इन सब चीज़ों पर आज एक नज़र डालते हुए अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। तो भूमि संसाधन, भूमि हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस पर हम मानवों का निवास स्थल है, और मात्र निवास स्थल ही नहीं, हमारी जितनी मौलिक आवश्यकताएं हैं इसी भूमि पर प्रतिपूर्ति होती हैं, जैसे आवास, भोजन, वस्त्र, ये सारा कुछ जितना भी मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं उसकी प्रतिपूर्ति इस भूमि पर ही होती है। अगर भूमि न होती तो हमारा जीवन संभव नहीं था। यही वजह है कि भूमि को जननी भी कहा जाता है, माँ यानी जननी, तो धरती माँ के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। तो यही भूमि है जिसे जननी के रूप में जाना जाता है, कारण कि हमारी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति करती है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह क्या करती है, इसी पर हमारा घर है, मकान है, उद्योग धंधे हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी जितने भी यातायात के साधन हैं सब कुछ भूमि पर ही संभव है, खाद्यान्न है, सारा कुछ। तो कितना गिनाया जाए उसको आप लोग ध्यान देंगे कि ये हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी प्रतिपूर्ति कहाँ होती है, तो भूमि पर ही होती है। इसलिए भूमि का महत्व हमारे जीवन में एक इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में क्या करती है कि हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। भूमि संसाधन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर, पूरा जो पृथ्वी है उस पर ये जितना भी नीला नीला दिखाई दे रहा है ये जल भाग है। तो नीला जो भाग है ये पूरा जलीय भाग पूरे धरती पटल पे 71% है। कितना प्रतिशत है? 71%। और ये जो जमीन भाग दिखाई दे रहा है, स्थल भाग, ये पूरा का पूरा 29% है, यानी पूरी धरती 29% और जल भाग 71%। कहने का अर्थ यह कि पूरे विश्व में मात्र 29% ही भूभाग क्या है, जमीन है, जहाँ पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ मिला करती हैं। विभिन्न स्थलाकृतियाँ कहने का अर्थ यह हुआ कि पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वतीय क्षेत्र कहीं भी, पूरे विश्व में भी वही चीज़ है और अपने भारत में भी वही चीज़ है। भारत की अगर बात की जाए तो उस संदर्भ में आगे हम लोग बात करेंगे, पहले विश्व को जान लें कि विश्व में 71% जल भाग है और 29% स्थल भाग है। किसी भी भूभाग का उपयोग जो होता है वहाँ पर पाई जाने वाली भू आकृति, यानी वो भूमि का आकृति कैसा है, उसका ऊंचावच कैसा है, यानी वो बहुत ज़्यादा ऊंचा अगर हाइट वाला पर्वत है तो वहाँ पर बस्तियाँ नहीं होंगी, पठारी भाग है तो वहाँ पर उसका कैसा उपयोग होगा, मैदानी भाग का उपयोग। तो इस तरह से ये सारे जो उपयोग होते हैं वहाँ की स्थलाकृति पर, वहाँ के ऊंचावच पर, इन सब पर डिपेंड करता है, और वहाँ प्राप्त होने वाले खनिज पदार्थों पर कि किस जगह पर कैसा खनिज पदार्थ प्राप्त होता है, और फिर वहाँ पर प्राप्त होने वाले जो स्थल आपका भू पृष्ठीय जल हो गया या भूगर्भीय जल हो गया, उस सब पर भी यह डिपेंड करता है कि अब वहाँ की किस तरह से उस भूमि का उपयोग हम लोग करेंगे। तो यह जो पूरा क्षेत्र हमको दिखाई दे रहा है स्थल भाग, यानी कि एशिया का भाग हो गया, यूरोप का भाग हो गया, अफ्रीका हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका, ये पूरा का पूरा हमको कितना है, 29% है। इसी 29% में पर्वत, पठार, मैदान, ये सारा कुछ पाया जाया जा रहा है। तो वैसी स्थिति में हर जगह ऐसा नहीं है जो हमें खेती के लायक मिल जाए, क्योंकि पहाड़ी भाग में खेती होगी नहीं,
पठारी भाग में बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो बहुत अच्छी नहीं पाई जाती है। तो जो रहा सो मैदान, तो मैदानी जो इलाका है वो पूरे विश्व में 137 करोड़ हेक्टेयर प्राप्त होता है, 137 करोड़ हेक्टेयर ही कृषित भूमि पाई जाती है पूरे दुनिया में। और इसी में क्या होता है कि 137 करोड़ में भी पूरा, अगर इसको इस 137 करोड़ को 100% मान लिया जाए, तो 100% में अब क्या होता है कि विश्व का जो मुख्य चार देश है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि बहुत ही बहुत बढ़िया कृषित भूमि है, उसमें आ जाता है रूस, अमेरिका, भारत और चीन। इन्हीं चारों जगहों में क्या हुआ है, इन्हीं चारों जगहों में ये पूरे का यानी 100% का 50% हिस्सा इन चारों देशों को मिला हुआ है। उसमें हम लोग देखेंगे कि रूस को सबसे अधिक, रूस को मिल गया है 16.5% इसके बाद अमेरिका, अमेरिका आता है सेकेंड नंबर पर, अमेरिका के पास 13% भूभाग है, कितना प्रतिशत है 13%। और भारत के पास है, भारत के पास 11.9% कृषित भूमि है, और चीन के पास है, चीन के पास है 7.3%। तो इसको अगर हम लोग होल टोटल देखेंगे तो मिला जुला करके ये पाएंगे कि लमसम 50% के आसपास ये चारों भूभाग में कृषित भूमि है, बाकी जितना बचा 50% वो पूरे विश्व के अन्य देशों में विस्तृत है। तो वैसी स्थिति में हम लोग पाते हैं कि यह पूरा का पूरा ये चारों देश जो है वो 50% हिस्सा लिए हुए हैं कृषित भूमि का। उसमें भी अगर चीन की बात की जाए तो चीन में हम लोग देख रहे हैं कि भारत से कम है भूभाग, लेकिन भारत से चीन जो है वो अधिक उत्पादन कर लेता है। कारण उसका टेक्नोलॉजी अधिक है, बढ़िया है, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर वहाँ पर जो उत्पादन होता है चीन में वो भारत से बहुत ही बढ़िया होता है, अत्यधिक होता है। इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए कि 137 करोड़ हेक्टेयर पूरा भूभाग कृषित भूमि है, और उसमें से भी 50% के लमसम इन चारों देशों को प्राप्त है, जिसमें कि चीन जो है वो भारत से भी कम भूभाग लिए हुए है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सहारे वो अत्यधिक उत्पादन करता है। अब इतनी बातों को समझने के बाद अब हम लोग भारत के संदर्भ में इसको जान लेते हैं कि भारत में ये पूरा भूभाग किस प्रकार से प्राप्त है। इसको मैं क्लीन कर लूँ। अब हम लोग भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप एवं कारक को जानेंगे। तो इसमें देखते हैं कि भारत भूमि का जो उपयोग है, अगर भारत भूमि जो 32.8 करोड़ हेक्टेयर है, इसका उपयोग अब देखेंगे। तो यह जो अगर 100% मान लिया जाए तो उसमें हम देखते हैं कि 43% यह जो भूभाग है ये मैदान है, ये क्या है मैदान, 43% यानी 43, और यह जो है पहाड़ी भाग है ये है पर्वत, यहाँ पर लिख दूँ पर्वत, ये 30%, कितना प्रतिशत 30%, और ये है पठार, ये हो गया 27%। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पहाड़, पठार और मैदान, तो पर्वत भाग 30%, पठार भाग 27% और मैदानी भाग 43%। इस तरह से यह भूभाग जो है ये भारत को मिला हुआ है। तो अब इस भारत भूमि में पर्वतीय भाग जो है ये सदा नीरा नदियों को उद्गम देने वाला
पूरा प्राकृतिक स्थल है पर्वत, और यह जो पठार है पर्वत पठार मैदान से आप वाकिफ होंगे कि पर्वत क्या होता है कि जिसका शीर्ष भाग ऊपर की ओर जाकर के नुकीला हो जाए, और पठार जो होता है यह भी खड़ी ढाल वाला होता है लेकिन इसका जो शीर्ष होता है वो समतल होता है, और मैदान जो होता है वो ये इस तरह से पहाड़ पठार और मैदान। यह जो इलाका है ये पूरे भारत में यहाँ पर हो गया 30%, और ये हो गया हमारा 27%, और मैदानी इलाका हो जाता है 43%। ये पूरे इलाके में हम लोग पर्वत पर ध्यान देंगे तो पर्वत जो होती है वो सदा नीरा नदियों को उद्गम देने वाला स्थान है, और यह दर्शनीय अगर कहा जाए तो पर्यटन स्थल भी बन सकता है जो हमारे पूरे देश को एक आमदनी का स्रोत बनेगा। और दूसरा है यह जो भूभाग है पठारी भूभाग, खनिजों का भंडार होता है और वनों का भी अच्छा शरण स्थल है। ये तीसरा वाला भाग मैदान, तो मैदान में हमारी जनसंख्या को क्या उधर पूर्ति करने का जो फसल होता है वो इसी इस इलाके में होता है। तो ये तीनों ही जो स्थलाकृतियाँ हैं वो हम मानवों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पहाड़ ना होता तो सदा नीरा नदियाँ ना होती, पठार नहीं होता तो खनिज नहीं मिलता, और मैदान नहीं होता तो उधर पूर्ति नहीं होती। तो इस तरह से ये स्थलाकृतियाँ काफ़ी उपयोगी हैं। इसको हम लोग क्लीन करके अब आगे इसकी जानकारी लेते हैं कि प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। प्रभावित करने वाले दो कारक, पहला हो जाता है भौतिक कारक और दूसरा होता है मानवीय कारक। अब भौतिक कारक में हम लोग देखते हैं भौतिक कारक में हमारा स्थलाकृति कैसा है, उसकी शैलों की संरचना कैसी है, ऊंचावच कैसा है, ये सारा भौतिक स्वरूप में आते जाता है भौतिक कारक में। और मृदा के प्रकार कैसा है, वहाँ पर जल की उपलब्धता कैसी है, भूमिगत जल है तो कैसा है, पृष्ठगत जो जल है वो कैसा है, और उसी तरह से वहाँ पर किस प्रकार का खनिज की उपलब्धता है, और ये सब क्या करते हैं भौतिक कारक के रूप में प्रभावित करते हैं। और मानवीय कारक में आ जाता है कि जितने भी मानव के द्वारा, यानी कि वहाँ जनसंख्या का घनत्व कैसा है, लोगों में प्रौद्योगिकी का विकास कैसा है, वहाँ पर उद्योग धंधे कैसे हैं, और उसके बाद बाजार की स्थिति वहाँ कैसी है, सारा कुछ मानवीय कारक में आता है। उनका आर्थिक स्तर कैसा है, ये सब कुछ किसको प्रभावित करता है, मानवीय कारक। तो जिस तरह से भौतिक कारक और मानवीय कारक, ये दोनों ऐसे कारक हैं जो कि क्या करते हैं भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर जैसी संरचना का भूभाग पाया जाता है उसका वैसा उपयोग किया जाता है। जानते हो बच्चों, अपने भारतवर्ष का वह भूभाग जो कि पाक अधिकृत है, चीन अधिकृत है, या फिर अपना पूर्वोत्तर भारत है, उसकी गणना सही से सर्वेक्षण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मात्र 93% भूभाग ही सर्वेक्षण के दायरे में है, 7% हमारा हिस्सा यूं ही छूट जाता है। तो वैसी स्थिति में पूरे भूभाग का अपने भारतवर्ष में 48.83% हिस्सा ही क्या है, कृषित भूमि है। और यह जो कृषित भूमि है अपने भारतवर्ष में 53.8% ही रोजगार उपलब्ध करा पाता है। कैसा, कृषि पर आधारित रोजगार, और उस रोजगार के माध्यम से या कृषित भूमि के जो उत्पादन होता है उसमें, उसके माध्यम से राष्ट्रीय इनकम जो है, राष्ट्रीय उत्पादन में इसका सहयोग
13.7% है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे 48.83 कुल भूमि का कृषित भूमि है और 53.8 उस पर लोगों को रोजगार मिल पाता है। यह भी रोजगार जो है वो कैसा होता है, मौसमी होता है। जब जब कृषि में कार्य हुआ तब तक ये लोग रोजगार किए, अन्यथा यूं ही बेकार हो जाते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय उत्पादन में बहुत बड़ा सहयोग न कर करके 13.7% ही सहयोग कर पाते हैं हम लोग कृषित भूमि के माध्यम से। इस तरह से भारत में भूमि उपयोग। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी भूमि का सर्वेक्षणों परांत ही हम जान पाते हैं कि वहाँ क्या उपयोग होता है। तो यह जो है एक सीमित है, इतना तो जाने हुए हैं कि हम सीमित संसाधन है, भूमि जो है वह सीमित संसाधन है। तो सीमित संसाधन है इसलिए सर्वेक्षण और योजना दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। तो उस आधार पर वन क्षेत्र, पहला वन क्षेत्र, हम लोग भारत में भूमि को उस उद्देश्य से बांटते हैं कि किस किस आधार पर ये बटा हुआ है। तो पहला है वन क्षेत्र। वन क्षेत्र में पहाड़ी भाग हो, पठारी भाग हो या मैदानी भाग हो, जहाँ भी वन प्राप्त होते हैं उन सब क्षेत्रों को वन क्षेत्र कहा गया है। ऐसे भी 1952 का जो वन नीति था, राष्ट्रीय वन नीति, उसमें राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% हिस्सा में वन होना चाहिए, लेकिन बहुत उपाय के बाद भी हम लोग बढ़ पाए हैं तो मात्र 23.54% हिस्से पर ही वन लगा पाए हैं। अब सोचने वाली बात है, वन न रहे तो हम लोगों के साथ कितनी मजबूरियां आन पड़ेगी, उसको हम लोग पिछले अध्याय में चर्चित कर चुके हैं। तो यह ध्यान देना होगा कि हमारा जो यह है डाटा, ये इस तक पहुंच जाए वैसा प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए आगे हम लोग संरक्षण में जानेंगे, लेकिन अभी जान लें कि हमको 33% हिस्सा में वन चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना ही अवेलेबल है। दूसरा आ जाता है निबल शुद्ध बोई गई भूमि। निबल शुद्ध बोई गई भूमि या निबल शुद्ध बोई गई भूमि का तात्पर्य यह होता है कि जिस खेत में हम क्या करते हैं, साल में एक या दो उपज जरूर ले लेते हैं, वो हर साल उसमें बोया ही जाता है, उत्पादन आ जाता है, वैसे क्षेत्र को कहा जाता है निबल और शुद्ध बोई गई भूमि। तीसरा है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि, प्रति में खाली, खाली पड़ी भूमि को दो भागों में बांटा गया है, एक वर्तमान प्रति और दूसरा पुरातन प्रति। वर्तमान प्रति वैसी प्रति होती है जिसमें एक साल के भीतर कोई भी खेती का कार्य नहीं हुआ है, किस समय, एक साल के भीतर, तो उसको कहा जाता है वर्तमान प्रति। लेकिन पुरातन प्रति जो है वो एक साल से अधिक और 5 साल से कम, ख्याल रखना है, वर्तमान प्रति 1 साल से कम में कृषि नहीं हो, और पुरातन प्रति में क्या होता है कि 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, जहाँ जिस खेत को नहीं जोता बोया गया है उसको पुरातन प्रति में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोती जाने वाली भूमि। प्रतिभूमि के अतिरिक्त नहीं जोती जाने वाली भूमि, इसमें स्थाई चारागाह, यानी चारागाह जितने भी हैं जहाँ पर जानवर जाते हैं, पशु जाते हैं चरने के लिए, उसको नहीं जोता जाता है। बाग बगीचे को भी कोई जुताई नहीं होती है। 5 वर्ष से अधिक समय से प्रति पड़ा वह खेत जहाँ खेती होती थी, लेकिन अब वहाँ पर खेती नहीं हो रही है, तो वैसा सब क्षेत्र क्या हो जाता है, आ जाता है प्रति भूमि के अतिरिक्त नहीं जोते जाने वाली भूमि में। नेक्स्ट है बंजर व व्यर्थ भूमि। बंजर व व्यर्थ भूमि वैसी भूमि को कहा जाता है कि जहाँ कि न वन है, न कृषि है, न कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे को बंजर भूमि कहा जाता है। तो बंजर भूमि जो है NRSA नेशनल रिमोट सेसिंग एजेंसी, नेशनल रिमोट सेसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार ये बताया गया है कि 467 लाख हेक्टेयर भूभाग ऐसा है जो कि क्या है, बंजर है, व्यर्थ है। इसके बाद है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि,
नेक्स्ट जो अब लास्ट हम लोग इसका देख रहे हैं उपयोग का, तो गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। गैर कृषि कार्य में मीन जहाँ पर खेती नहीं होती है, जहाँ पर हमारे भवन हैं, उद्योग धंधे हैं, हमारे लिए परिचालन का कोई साधन है, संचार व्यवस्थाएं हैं आदि आदि जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, तो अन्य जो इमारतें हैं, सड़कें हैं, रेलगाड़ियों के चलने का जो मार्ग है, ये सारा कुछ आ जाता है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि के अंतर्गत। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भारत भूमि उपयोग का पूरा हम लोग देखते हुए यह जान पाए हैं कि जमीन तो हमारे पास क्या है, सीमित है, सीमित जमीन है। इसका उपयोग जब तक अपने दिल दिमाग से सोच कर समझ कर योजनाबद्ध कार्यक्रम के द्वारा न किया जाएगा तो क्या होगा, हमारे सभी जमीनों का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आगे यह आगे बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कृषि भूमि जितनी थी आज़ादी के समय आज भी उतनी ही है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग रोज दिन विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि भूमि भले अब बढ़ कर के यहाँ मैं क्लीन कर दूँ, इसको भारत भूमि में हम लोग देखते हैं कि ये मान लिया जाए कि हमारी पूरी भारत भूमि है, इसका 48% हिस्सा 48.83% हिस्सा कृषित भूमि, और ये अकृषित में हो जाएगा 24.80%। चारागाह का अगर हम लोग लें तो ये 2.83 ही है। चारागाह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरी दुनिया में पशुधन के मामले में काफ़ी अग्रणी है, और यह जो भाग आ जाता है हमारा 23.54, ये आ जाता है वन क्षेत्र। ये हो गया कृषित भूमि, ये हो गया अकृषीय भूमि, ये चारागाह, और ये हो गया वन क्षेत्र। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारी कृषित भूमि पहले की अपेक्षा, यानी स्वतंत्रता के समय से लेकर के आज तक का अगर देखा जाए तो डाटा में हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन अकृषि भूमि भी कम नहीं है। चारागाह में आगे प्रयास और करना है कि चारागाह भी रहे, क्योंकि पशुधन के मामले में पूरे विश्व में अपना देश भारतवर्ष अग्रणी है, और वन क्षेत्र 33% होना चाहिए। इसको भी हमारा प्रयास रहेगा कि आगे हम क्या करेंगे, इस पर हम ध्यान देंगे और हमारा वन क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो ये हमारे भारत भूमि का पूरा भूमि संसाधन से रिलेटेड जितनी भी हम जानकारी यहाँ पर हम लोगों ने लेने के लिए सोची थी उसको पूरे को ले लिए, भूमि संसाधन के महत्व से परिचित हुए, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप एवं कारक इससे हम लोग परिचित हुए। और ये हमारे आम समझ की भी बात है कि जितना भी जमीन जिसका जैसा मूल्य, यानी जैसी उपयोगिता वैसा मूल्य होता है। जैसे गांव का अगर ज़मीन देखा जाए तो वो क्या होता है, शहर की अपेक्षा कम महंगा होता है, लेकिन शहर में अगर रोड के किनारे हम लोग ज़मीन लें या फिर रेलवे स्टेशन के पास लें वो काफ़ी अधिक महंगा हो जाता है। तो ये सब स्थितियां कारक के अंतर्गत आ जाती हैं, जिसको हम लोग समझ चुके हैं और भारत में भूमि का उपयोग जान लिए। और ऐसे हम लोगों को ध्यान देना है कि इस सीमित संसाधन को कैसा उपयोग करें सूझबूझ से, कि आगामी समय के लिए भी यह क्या रहे, बढ़िया रह सके। तो आगे हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे कि भूमि का निम्नीकरण और उसके संरक्षण के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। जय हिंद।